सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द बैचेस। जिसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। सो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए हैं प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शन सेक्शन का, है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शंस के प्रॉब्लम स्टार्ट किए। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देखने वाले हैं बीम सेक्शन का, है जिसका डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में गिवन है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है यहाँ पे, बार्स ए बी एंड सी डी आर रिजिडली कनेक्टेड बाय वेल्डिंग एट डी एज शोन इन फिगर, है ना। बार ए बी एंड सी डी आर रिजिडली कनेक्टेड एट पॉइंट डी, है ना, एज शोन इन फिगर। डायग्राम दिया हुआ है। बार ए बी वेज 5 किलोन्यूटन मीटर। जो बार ए बी है इसका वेट दिया है हम लोग, है ना। बार ए बी का जो वेट दिया है वो कितना दिया है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है। 5 किलोन्यूटन पर मीटर मतलब वो यूडीएल है ना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, वेयर एज वेट ऑफ बार सी डी, और वेट ऑफ बार सी डी कैसा है, बार सी डी का वेट निग्लिजिबल है ना। डिटरमाइन दी सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। दो सपोर्ट दिए यहाँ पे, यहाँ पे सी पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे वाला जो एलिवेशन इसका ये रोलर सपोर्ट है। ए पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। ओके, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है जैसे ही प्रॉब्लम हम लोग को मिल चुका है उसके बाद हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम में सब कुछ रहेगा, सिर्फ फोर्सेस रहेंगे और रिएक्शंस रहेंगे, है ना। जो सपोर्ट रिएक्शन है वो सपोर्ट रिएक्शन रहेंगे और फोर्सेस रहेंगे, दो ही चीजें रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग को वापस से यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ये फोर्स है ना, पहला जो फोर्स है हमारा ये इंक्लाइन है, यहाँ इंक्लाइन फोर्स है, 50 किलोमीटर का फोर्स है, ऐसे करके यहाँ पे बताया ना। तो हम लोग को ये सब अटैचमेंट नहीं बताना, सिर्फ फोर्स को यहाँ यही पे बता देना है, यही पे फोर्स को आपको बता देना है कितने किलोमीटर का, 50 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यही के फोर्स को यहाँ पे बताएंगे कितने किलोन्यूटन का फोर्स है, ये है 50 किलोन्यूटन का फोर्स है जो कि यहाँ से वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे है। तो सबसे पहले ये फोर्स है, तो फोर्स इंक्लाइन है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रिजोल्व करना है। दो कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर दो, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब फोर्स बाहर की तरफ है तो कंपोनेंट के डायरेक्शन में कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। फोर्स का एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा कॉस का कंपोनेंट, 50 कॉस ऑफ 30, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा साइन का कंपोनेंट, 50 साइन ऑफ 30। अब दो कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर दिया, तो इस फोर्स को आप यहां से हटा दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा सेक्शन डी है, यहां से हमारा सेक्शन है देखो डी सी या सी डी, जो हमारा बीम है सी डी। अब बीम सी डी पे यहां पे हम देखोगे तो यहां पे आपको कोई रिएक्शन मिलेगी। अब रिएक्शन एक रहेगी, दो रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रहेगी, इंक्लाइन रहेंगे, आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं, ये वाला यूडीएल देखो। अब यूडीएल ऐसा है तो इसका जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, यहां भी बता देखो डायरेक्शन कैसे ऐसे, तो यूडीएल का फोर्स ऐसे रहेगा। अब यूडीएल को पॉइंट नोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 15 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, इसको पॉइंट नोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल को यूडीएल इनटू स्पैन, कितने स्पैन पे, 2 मीटर के स्पैन, तो 15 इनटू 2 से क्या हो जाएगा, 30। सो 30 किलोन्यूटन का यूडीएल का फोर्स हम लोग को मिलेगा, वो यहां पे एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन रहेगा ऐसे जैसे यूडीएल का डायरेक्शन, 15 टू से क्या होता है, 30 होता है। तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिखता हूं 30 किलोन्यूटन का फोर्स। अब ये 30 किलोमीटर का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, पूरा स्पैन है हमारा 2 मीटर का, तो स्पैन के सेंटर में एक्ट होता है, यूडीएल को भी स्पैन के सेंटर में एक्ट होता है, तो टोटल 2 मीटर है। तो अब ये जो डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, 1 मीटर और 1 मीटर हो जाएंगे। देखो यहां से इतना डिस्टेंस और ये ऊपर वाला डिस्टेंस, ये डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर और 1 मीटर स्पैन में, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ओके। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग को दिया है 1.5 मीटर, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे 1.5 मीटर, तो ये है 1.5 मीटर, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाले सेक्शन तक पहुंचते हैं हम लोग, ए पे पहुंचते हैं, ये पॉइंट हमारा डी है, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब ए पॉइंट पे पहुंचते हैं, आगे इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा है ए,
ये पॉइंट ए है हमारा वर्टिकल, सपोर्ट कैसा है ऐसा है ना, तो रिएक्शन कैसी रहेगी, रिएक्शन में भी ऐसी रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी, एग्जैक्टली कैसी हम लोग को नहीं पता है, ये पॉइंट हमारा ए है ना। अब यहाँ पे भी एक रिएक्शन रहेगी दो रिएक्शन रहेगी हम लोग को नहीं पता है, देखते हम लोग आगे समझ में आएगा। अब और हम लोग को क्या दिया है, इतने फोर्सेस तो हम लोग को प्रॉब्लम में दिए थे, और एक फोर्स हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है वेट ऑफ दीवार एबी, वेट ऑफ दीवार एबी हम लोग को दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, हमें कितना दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, एबी मतलब ए से बी, स्पैन ए से बी तक का। सो यूडीएल को पॉइंट में कैसा कन्वर्ट करेंगे, यूडीएल इनटू स्पैन 4.5 है ना, 5 × 4.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर मिलेगा अपने को 22.5 किलो न्यूटन, 22.5 किलो न्यूटन। अब 22.5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो कहां पे एक्ट होगा, हम लोग को पता है यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के सेंटर में, ये जो स्पैन है 4.5 का है, तो 4.5 का सेंटर में हमारा जो यूडीएल का पॉइंट जो कन्वर्ट किया हम लोगों ने 22.5 आया है, ये हमारा कहां पे एक्ट होने वाला है, इस 4.5 का सेंटर, 4.5 का सेंटर कहां पे रहेगा, इधर किधर रहेगा है ना, देखो यहां पे इधर किधर रहेगा फोर्स हमारा, थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहां पे इसको देखो, यहां पे इस पॉइंट पे इधर रहेगा हमारा फोर्स 22.5 किलो न्यूटन का है ना। अब अगर आप देखोगे इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस बी से कितना रहेगा, 4.5 / 2, 4.5 का हाफ रहेगा, 4.5 का हाफ आप करते तो कितना मिलेगा 2.25, 2.25 देखो यहां से इतना टोटल 3 है, फिर यहां से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, अभी देखो अब ध्यान से देखना, मैं डिस्टेंस जो लिख रहा हूं अपने को बहुत काम में आने वाले हैं, आगे देखो अब यहां से इधर लिख देता हूं डिस्टेंस नीचे, ठीक है यहां पे लिखता हूं ये डिस्टेंस हम, देखो यहां से इतना डिस्टेंस ये वाला, हम लोग को मोमेंट में डिस्टेंसेस लगेंगे सारे, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2.25, देखो टोटल 3 है ये 2.25 है, तो ये कितना रहेगा 3 - 2.25 अगर आप करते हो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ये 0.775, और ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है ना, ये वाला डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है, ठीक है ये 0.75 ये 2.25 ओके। अब देखो ये वाला ऊपर वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना है, ये 1 मीटर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां ये 1 मीटर है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 0.75, अब और ये 1.5 है, 1.5 प्लस 0.75 ये डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 2.25 है ओके। सारे फोर्सेस हम लोगों ने यहां पे लोकेट कर दिया है, अब देखना है कि यहां पे जो एक फोर्स है वो कैसा है, इंक्लाइंड है, वन फोर्स इज इंक्लाइंड, जब भी देखो सिस्टम में एक फोर्स इंक्लाइंड रहेगा या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है यहां पे आप देखोगे तो यूडीएल का जो हम लोगों ने पॉइंट में कन्वर्ट किया ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इस इंक्लाइन फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो फोर्सेस आए हैं ना, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा या इंक्लाइन फोर्स रहेगा सिस्टम में तब क्या होता है, तब कोई एक सपोर्ट क्या होने वाला है, इंक्लाइन होने वाला है ना, इन दो सपोर्ट में से एक सपोर्ट को इंक्लाइन होना पड़ेगा, क्यों इंक्लाइन होना पड़ेगा, ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे हैं इनको बैलेंस करने के लिए, वर्टिकल सपोर्ट तो होते हैं ना, रिएक्शन के सपोर्ट वर्टिकल हम देंगे तो वो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं ना, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट को हम अब क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन होना पड़ेगा, इस तरह से इंक्लाइन होना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे हैं वो बैलेंस हो जाए, है ना। तो देखो तो अब यहां पे सिस्टम में कभी भी याद रखना, पक्का याद रखना है कि जब भी हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट रहे तो रोलर सपोर्ट कभी भी इंक्लाइन होने वाला नहीं है, इंक्लाइन कौन होगा, सिर्फ हिंज सपोर्ट इंक्लाइन होगा, तो सिस्टम में हिंज सपोर्ट यहां पे है तो ये सपोर्ट सी इंक्लाइन होने वाला है, रोलर सपोर्ट एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल आर ए की वर्टिकल रिएक्शन देखने मिलेगी, आर ए ये वर्टिकल रिएक्शन क्या करेगी, जो वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं उनको बैलेंस करेगी। अब यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट सी है, हिंज सपोर्ट है, ये इंक्लाइन होगा, अब ये कैसे इंक्लाइन होगा, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन इसका इधर है, इसका भी इधर, ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इधर जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इंक्लाइन होगा, ऐसे इंक्लाइन होगा, ये वाला सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन होगा ताकि इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर सके, तो ऐसे इंक्लाइन होगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो इस सपोर्ट के हमारे दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे बीसी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इसको हम लोग नाम देंगे एचसी, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एचसी, वर्टिकल कंपोनेंट बीसी, है ना, फोर्सेस इधर जा रहे हैं इसलिए हम लोग इसको ऐसे इंक्लाइन,
अगर आप मान लो गलती से आपने ऐसे इंक्लाइन किया एससी को इधर की बजाय इधर बता दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब एससी की हम लोग वैल्यू निकालेंगे अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डायरेक्शन एज इट इज रखना है ना, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन को चेंज कर देना है सिंपल। ओके, टेंशन नहीं लेना। तो देखो अब ये सारे कुछ हो गया, हम लोगों ने फोर्सेस को भी इंक्वाइन कर दिया, सपोर्ट्स को भी रिजोल्व कर दिया, सब कुछ आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब सपोर्ट रिएक्शन निकाल। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, कितने हैं, तीन। f of x equals to 0, देखो summation of f of x equals to 0, summation of f of y equals to 0 और summation of moment of forces equals to 0, तीन कंडीशन। ओके, अब यहां से यूज कौन सा करेंगे, अगर f of y equals to 0 पहले यूज करते हो तो वर्टिकल फोर्सेस आप देखोगे यहां पे तो ra और bc, ये दो दो वर्टिकल फोर्सेस में अननोन है, तो यहां पे अपने कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी, हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग f of x equals to 0 करते हैं, f of x equals to 0 करते हो आप, तो देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक रिएक्शन है जो अननोन है, बाकी ये वर्टिकल का फोर्स नोन है और ये भी फोर्स नोन है, दो फोर्स नोन है, सिर्फ एक ही अननोन है, तो SC अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा। देखो f of x equals to 0 करते हैं तो SC हम लोग को डायरेक्टली मिल जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, फिर f of y करेंगे, तो बाकी के सारे वैल्यूज भी हम लोग को अननोन मिल जाए, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, f of x equals to 0 करते हैं, तो चलो f of x equals to 0 करेंगे और प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं f of x equals to 0 से। देखो f of x equals to 0 करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, SC मिल जाएगा। क्या है कंसीडरेशन, rightward forces positive and leftward negative। So देखो सब में पहले rightward कौन जा रहा है, rightward जा रहा है हमारा 30 किलोन्यूटन और ये दो forces right में जा रहे हैं, तो इनको plus लेंगे हम लोग, plus 30 plus 50 sine of 30, ये दो positive आ गए और HC हमारा इधर जा रहा है left में जा रहा है, तो minus minus HC is equals to 0। अब HC minus में है, हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो अननोन है, वो अगर नेगेटिव है तो उसको उधर लेके जाओ तो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। सो SC को हम लोग उधर लेके जाएंगे, बाकी इसको कुछ भी नहीं करेंगे, SC उधर जाएगा तो SC क्या हो जाएगा, SC प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज 30 प्लस 50 साइन ऑफ 30। ओके, इधर को कैलकुलेट करो और एड कर लो तो यहां से हम लोग को SC का वैल्यू मिलेगा 55 किलो न्यूटन। HC हम लोग को मिल गया 55 किलो न्यूटन, HC का वैल्यू पॉजिटिव आया है। देखो HC का वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब हमने जो कंसीडरेशन यूज किया था, हमने जो इसका डायरेक्शन दिया था वो करेक्ट है ना। अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो HC का डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, तुरंत चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया यहां पर। अब देखो HC मिल गए अपने को, दो अननोन है, एक RA और BC, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, मोमेंट लेना है। सेकंड स्टेप में हम लोग को मोमेंट लेना है, f of y equals to 0 करोगे तो अब भी BC और RA दोनों अननोन है तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मोमेंट लेना। मोमेंट कहां से लेते हो, मोमेंट कभी भी आपको कहां से लेना है, सपोर्ट पॉइंट से। देखो दो सपोर्ट पॉइंट्स हैं, दोनों में से कोई एक पॉइंट से अपने को मोमेंट लेना है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट एट पॉइंट ए लेते हैं, मोमेंट एट पॉइंट ए लोगे तो आर ए ए पॉइंट में से पास होगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, फिर बचा सिर्फ एक ही अननोन बीसी, एससी तो मिल गया तो बीसी हम लोग को मिल जाएगा इजीली। या फिर अगर अगर आप क्या करते हो, मोमेंट एट पॉइंट सी लेते हो, सी से लोगे तो एससी और बीसी दो दो कैंसल हो जाएंगे, दोनों कैंसल हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा आर ए, एक ही अननोन बचेगा, आर ए की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो आप मोमेंट ले सकते हो पॉइंट ए से या पॉइंट सी से, अब दोनों में से कोई भी पॉइंट से मोमेंट ले लो, आपका जो आंसर आने वाला है आर ए या बीसी का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो आपको जो इजी लगता है उस पॉइंट से आप मोमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग मोमेंट लेंगे ए से, पॉइंट ए से मोमेंट ले लेते हैं। देखो पॉइंट ए से ले लेंगे मोमेंट, तो पॉइंट ए से मोमेंट लोगे तो आर ए कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो सबसे पहला फोर्स, सबसे पहले यहां पे लिख देंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू जीरो। क्या है कंसीडरेशन, क्लॉकवाइज फोर्सेस नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव। ओके, अब पहला फोर्स है हमारा ये आर, कैसे रोटेट हो रहा है, देखो पॉइंट ए की तरफ रोटेट कर रहा है, इतना रेडियस है ना, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये सेंटर है, तो कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे देखो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे है, नेगेटिव। तो सब में पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस 22.5 इनटू, अब इसका ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो फोर्स की लाइन देखना है, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल,
कितना है 2.25, देखो डिस्टेंस कितना है 2.25, देखो 22.5 × 2.25, तो ये मिल गया हम लोग को पहला वाला फोर्स। उसके बाद सेकेंड वाला फोर्स देखते हैं हम लोग। देखो पहले ये वाले फोर्स को देखो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 50 sin 30 का फोर्स है ये वाला, इसकी लाइन देखो, ये लाइन भी कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ए में से पास हो रही है ना, सीधा पॉइंट ए में से जा रहा है, इसका मोमेंट भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से जीरो हो गया क्योंकि ये पॉइंट ए में से पास हो रहा है। देखो ऐसे पास हो रहा है, पॉइंट ए में से ही जा रहा है ना, इसके लिए भी कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या अपना 50 cos 30 है ना। अब 50 cos 30 को देखो, पॉइंट ए यहाँ पे, ये इधर कैसे रोटेट होगा, पॉइंट ए की तरफ ऐसे रोटेट होगा, पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट ए की तरफ आएगा ऐसे सर्कल बनेगा। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब माइनस, सो माइनस देखो फोर्स क्या है 50 cos 30, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 50 cos 30 × अब इसका डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस देखने के लिए सिंपल क्या याद रखना है, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस देख कितना है, ये डिस्टेंस 4.5 है, टोटल स्पैन हमारा AB है ना, AB का स्पैन कितना है 4.5, अभी निकाला हम लोगों ने 3 + 1.5 कितना है 4.5, तो डिस्टेंस है 4.5, तो 4.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके अब देखो ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बचे ये वाले फोर्सेस है ना। अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये जो हमारा VC है, VC कैसे रोटेट हो रहा है, देखो VC इधर है, अब पॉइंट इधर है, तो VC यहां पे, तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंटर इसको स्ट्रेट लेके आओ यहां पे, अब कैसे रोटेट होगा ऐसे, क्या करना है, पॉइंटर इसको स्ट्रेट लेके आना है, यहां से इसको रोटेट करो, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे प्लस, प्लस क्या है हमारा VC, प्लस VC इनटू, अब डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैसा रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन है, पॉइंट इधर है, पॉइंट तक लेके जाओ इसको ऐसे ऊपर, पॉइंट तक आ गया, अब ये डिस्टेंस चाहिए, कितना है डिस्टेंस, ये 3 मीटर, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, अब पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसको सीधा लेके जाओ यहाँ पे, तो कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है ना, तो पॉइंट लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट तक लेके जाओ फोर्स को और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो है ना, कितना है 3 मीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, देन उसके बाद ये हो गया, आप एक्स सी को देखो, एच सी पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट ए ऊपर है, एच सी नीचे है, तो कैसे रोटेट होगा, डायरेक्शन ऐसे ऐसे रोटेट होगा, कैसे रोटेट हो रहा है ये, अगेन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो माइनस, माइनस देखो एच सी माइनस एच सी इंटू, अब इसका डिस्टेंस अगेन देखो यहां पे फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे वर्टिकल, अब देखो इसको एक्सटेंड करके पॉइंट तक लेके, ये अब पॉइंट ए और इसके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये कितना है 2 मीटर, देखो ये 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर है ना, उधर देखो ध्यान से समझ में आएगा, ये 2 मीटर देखो सी और डी का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो ये कितना है 2 मीटर, फोर्स हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे कितना है 2 मीटर, तो एच सी इंटू 2 मीटर। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट और हमारा लास्ट वाला फोर्स बचा है, ये 30 किलोन्यूटन का किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब पॉइंट है हमारा इधर, पॉइंट के नीचे है, तो इधर पॉइंट की तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगेन कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे प्लस, प्लस क्या है हमारा 30 किलोमीटर, तो प्लस 30 × डिस्टेंस, अब इसका डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या होगा वर्टिकल, पॉइंट एक्सटेंड करो यहाँ पे, देखो ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिया, कितना है ये 1 मीटर है ना, ये देखो ये 1 मीटर है, यूडीएल है हमारा हाफ में एक्ट होगा, 2 मीटर का हाफ कितना होता है 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो 30 × 1 सारे फोर्सेस आ गए हमारे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 और 5 पांच के पांच फोर्सेस आ चुके हैं, इज इक्वल्स टू क्या लिखना है 0। ओके अब यहाँ पे अननोन क्या है जो हम लोग को निकालना है, वो है VC, VC की वैल्यू निकालना, तो VC इंटू 3 को एज इट इज इधर रहने दो, ये पॉजिटिव है ना, और बाकी सारे वैल्यूज को उधर भेज दो, अब बाकी सारे वैल्यू जब उधर जाएंगे तो उनके साइन क्या होने वाले, चेंज होने वाले, देखो हम लोग क्या करेंगे VC इंटू 3 इसको एज इट इज इधर रहने देंगे, बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो 22.5 ×
2.25, ये भी देखो ये प्लस हो जाएगा 50 cos of 30 into 4.5। उसके बाद VC तो स्टार्टिंग में आ गया, ये देखो ये माइनस का क्या होगा प्लस प्लस HC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की अभी अभी, देखो HC कितना है 55 है, तो HC की जगह पे 55 लिख दो, है ना, ये HC की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की है, तो HC की जगह पे लिख दो 55 into 2, माइनस का प्लस हो गया, अभी प्लस का माइनस हो गया, माइनस 30 into 1, ओके VC equals 3 आया। अब ये सारा कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है और 3 से इसको डिवाइड करना है तो VC मिल जाएगा। चलो VC is equals to क्या हो जाएगा, VC is equals to ये सारा कैलकुलेशन एज इट इज आ जाएगा हमारा, देखो 22.5 into 2.25 प्लस ये वाला हमारा 50 cos of 30 into 4.5 प्लस 55 into 2 क्या हो जाएगा 110, है ना, सो ये 55 into 2 और ये माइनस 30 into 1 means 30, इसके ये होल डिवाइडेशन में क्या चल जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से हम लोग को VC का वैल्यू आएगा 108.49 किलोन्यूटन, है ना, और आंसर कैसा है, पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आया मतलब जो VC का डायरेक्शन हम लोगों ने बताया अपवर्ड वो कैसा है, करेक्ट है। देखो VC का वैल्यू हम लोग को मिल गया 108.49 किलो न्यूटन, देखो सारे फोर्स किलो न्यूटन में, इसके लिए ये भी किलो न्यूटन में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को VC मिल चुका है, मोमेंट ले लिया हम लोग ने, लास्ट स्टेप है हम लोग को RA फाइंड आउट करना है, सो RA फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई को जीरो करेंगे और RA मिल जाएगा। देखो तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन रफ कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, है ना, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 क्या है, कंसीडरेशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ओके, सो अपवर्ड प्रोसेस कौन से कौन जा रहे हैं हमारा, VC अपवर्ड जा रहा है, तो VC को प्लस VC लिख देंगे, VC का वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, देखो 108.49, है ना, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, उसके बाद और कोई अपवर्ड फोर्स है नहीं, बाकी सारे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स देखो RA डाउनवर्ड है तो माइनस आर ए और ये डाउनवर्ड है माइनस 22.5 और इसके बाद और कौन सा डाउनवर्ड फोर्स है, ये वाला 50 cos 30 ये भी डाउनवर्ड है, इसको भी लिखेंगे माइनस 50 cos of 30, ओके, चार फोर्सेस है 1, 2, 3 and 4 चारों फोर्सेस आ गए थे इज इक्वल्स टू 0। अब निकालना हम लोग को आर ए है, आर ए को फाइंड आउट करना है, तो आर ए नेगेटिव है, आर ए की साइन चेंज है, तो RA को इक्वल टू के उधर ले लो, बाकी सबको एज इट इज रहने दो, तो RA का साइन चेंज होगा, RA पॉजिटिव हो जाएगा, RA की वैल्यू मिल जाएगी, RA को उधर भेजो तो क्या हो गया हमारा, RA पॉजिटिव हो गया, बाकी का सारा एज इट इज 108.49 माइनस 22.5 माइनस 50 cos of 30, ओके, ये सारा वैल्यू एज इट इज रहेगा। अब इसको कैलसी में पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा 42.69 किलो न्यूटन, देखो 42.69 किलो न्यूटन ये मिल गया हम लोग को आरए का वैल्यू। अब देखो आरए मिल गया है, बीसी मिल गया है, एससी मिल गया है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम वैसे तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन ये एससी और बीसी क्या है, ये आरसी के दो कंपोनेंट है ना, सी पॉइंट का जो रिएक्शन रहेगा वो आरसी रहेगा, वो किधर इधर ऐसे इंक्लाइन है ना, अब वो कहां पे है एग्जैक्टली, है ना, इसका लोकेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो पहले ये लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे, आरसी यहाँ पे कहाँ पे है, इधर इंक्लाइन है तो यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे है आरसी, आरसी का मैग्नीट्यूड कितना है, आरसी का यहाँ से एंगल कितना है, ये दो चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। तो देखो आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या है हमारा एचसी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस VC वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा HC कितना है 55 का स्क्वायर प्लस 108.49 का स्क्वायर। अब इसको कैलसी में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को RC का वैल्यू मिल जाएगा 121.63 किलोन्यूटन, 121.63 किलोन्यूटन ये मिल गया RC का वैल्यू, RC का मैग्नीट्यूड मिल गया हम लोग को यहाँ पे 121.63 किलो न्यूटन, है ना, ये RC का मैग्नीट्यूड मिला है। अब
अब इसका एंगल निकालना है थीटा, है ना। इसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला हमारा, अंडर रूट f ऑफ y / x, है ना। बेसिक फॉर्मूला इसका y / x, y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट / हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। सो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा bc और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है sc, तो bc / sc। सो देखो यहां पे bc का वैल्यू कितना है हमारा, bc है 108.49, है ना, और sc है हमारा 55। इन दोनों को डिवाइड करना है, तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 108.49 अपॉन 55। सो इसको कैलकुलेटर में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को एंगल थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 63.11 डिग्री, है ना, 63.11 डिग्री, दैट इज द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे इस HC और BC का जो रिएक्शन है RC, इसका मैग्नीट्यूड 121.63 किलोन्यूटन, और इसका जो एंगल है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वो रहेगा 63.11 डिग्री, है ना। तो इन दिस वे हम लोग रिएक्शन को भी लोकेट कर सकते हैं। ओके देखो, आपने RC को कैलकुलेट नहीं किया, उसका एंगल नहीं फाइंड आउट किया, उसको लोकेट नहीं किया, सिर्फ HC और BC का ही वैल्यू फाइंड आउट करके यहां तक ही प्रॉब्लम करके छोड़ दिया, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम और सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, सब समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।